अस्सलामु अलैकुम। कराची में तूफानी बारिश ने शहर को डबो दिया, हर तरफ पानी ही पानी। एक और ताकतवर सिस्टम कराची आ रहा है, हाई अलर्ट जारी। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं? खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं? तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची में मुसलसल बारिश से मुतअद्दिद इलाके डूब गए, निजामे जिंदगी मुअत्तल, डिफेंस क्लिफ्टन डूब गए, मुतअद्दिद सड़कें बंद, दरिया का मंजर पेश करने लगीं, इमदादी इदारों ने कश्तियां चलाई, कोरंगी काजवे भी बंद, गार्डन शो मार्केट और कोरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से 3 अफराद जावाहक हो गए। मजीद बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर की जानिब बढ़ रहा है। बहीरा अरब से बारिश बरसाने वाले बादल मुसलसल शहर की जानिब बढ़ रहे हैं, जबकि टट्टा, बदीन और केटी बंदर से बादलों के आने का सिलसिला जारी है, जिसके 22 बारिशों का सिलसिला 12 जुलाई मंगल की शाम तक बरकरार रहेगा। कराची में बारिश के 22 सूरतेहाल खराब होने से तेल कंपनियों ने पेट्रोल की सप्लाई रोक दी। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पानी में डूब गए, सप्लाई बहाल न हुई तो किल्लत का खदशा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 14 जुलाई की शाम से एक और सिस्टम भी दाखिल होने की तवक्को है। मानसून बारिशों का सबब बनने वाला नया सिस्टम 18 जुलाई तक असरअंदाज रहेगा।